बुआ बताओ कितने प्रकार के आप लोग अवस्थाएं पड़े हैं? थ्री। कौन कौन से बुआ? सॉलिड। पहली अवस्था का नाम क्या है बुआ? जैसे ये है सॉलिड, है ना ये सॉलिड। दूसरी अवस्था जो तुम्हारे आंखों से पानी बहता है ना, जो तुम्हारा खत्म हो गया है आंख में पानी है तो उन लोगों को लाभ तो रहता है कि पढ़ लिख ले। दूसरा क्या हुआ? सॉलिड। तीसरा क्या हुआ? जिसको लेकर तुम जिंदा हो, है ना, ऑक्सीजन वगैरह लेते हो। कभी कोई सुना है कि सांस रोक के मर गया? हो सकता है कि नहीं। अच्छा, अब उसके बाद चौथी अवस्था भी होती है। अच्छा, वही सवाल मैं वापस पूछता हूँ। आग लगाते रुको ना, हालांकि हम तो तुम्हारा आग लगाओ, नहीं तो तुम ही हो। ये कौन सा है बताइए तो, कौन सी अवस्था है? हम सिगरेट नहीं पीते, नहीं आदत नहीं है। देखो ये कौन सी अवस्था है? ये सॉलिड है ना, ये लिक्विड है ना, ये गैस है, बल्कि क्या हुआ? प्लाज्मा। ठीक है बच्चे लोग, अब देखो तो अब सवाल है प्लाज्मा। अब कुछ इसमें ज्ञानी लोग होंगे जो बोलेंगे हम और जानते हैं। तुम दो को जानता होगा अभी, और है 22 कंडीशन है। तो क्या 22 का नाम लिखवा है क्या? कुछ लोगों को होता है ज्ञान देने का चुल की हाँ, सर जी को बताते हैं एकदम, भैया हमको पता है लेकिन जिन बच्चों को जितना जरूरत है वो उतना ही ना देंगे। है बाबा मेगा पेन 3 समझे का जगह क्या 1000 एमबी दे दे आदमी साफ तर्रा के, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सुने मेरी बात, प्लाज्मा है, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। अब सवाल है इस सब में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है सो बताइए। एग्जैक्टली कौन है बुआ? प्लाज्मा। अब मैं बताता हूं कैसे। सूर्य क्या है? अगर वो ना होता तो धरती हो पाता क्या? क्लाइमेट आता, बाकी चीज आता, हम जिंदा कैसे रहते हम लोग? है जिंदा रहते क्या? नहीं। तो बुआ एक बात बताइए, प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक बात बता, आपको पता है हालांकि ये थ्योरी भी गलत है, बट आप बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुने होइएगा, बीच में एनर्जी होता है, एनर्जी में ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट के कारण क्या होता है, बहुत सारे जो एनर्जी होकर आपस में एक होते हैं, फिर धीरे धीरे वो ठंडा होते हैं और मास का निर्माण करते हैं, तभी तो हमारा ये सोलर सिस्टम बना है, धरती चांद तारा वही एनर्जी से तो बना है। तो पहले मास आया कि पहले एनर्जी आया? एग्जैक्टली कौन आया हुआ? तो एनर्जी कौन सा रूप है? तो आपको समझ में आ गया प्लाज्मा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आपको देखना है कि प्लाज्मा के अलावा और क्या क्या अवस्थाएं होती है, तो आपको तो वीडियो देखना पड़ेगा ना उसके लिए। देखो यार चल क्यों नहीं रहा है भाई। हाँ अब देखिए, ये मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं क्योंकि इतना पैसा में इतना मिलेगा, ठीक है ना। ज्यादा पैसा देता तो भाई पूरा दिखाते, पर 22 अवस्थाएं होती है। पर यहां आप देखिए, सॉलिड, लिक्विड, सुपर फ्लूइड, टाइम क्रिस्टल, गैस, प्लाज्मा, उसके बाद आएगा बुआ ये सब जो भी है, बहुत सारी चीजें, समझ बहुत आगे चले जाएगा। बट हमारे काम का इसमें कितने है? 4, सॉलिड, लिक्विड, गैस और बाकी सब देखिए अपने आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये 4 अवस्थाएं समझ में आ रही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। हालांकि होते 22 है, बट आपको कितने देखने हैं? 4। आप इसमें प्लाज्मा को देखिए, ये नया ऐप के लिए जो आपको भी आग वाला एग्जांपल बताया है, ठीक है। तो इससे ये सब बना सकता है, ये सब आपस में इंटरचेंज होते हैं। अब सवाल है, इस पूरे चीज को पढ़ाने के बाद एक नया सवाल हमारे सामने आता है, फिर से एक नया सवाल। आप कभी सोचे हिंदू धर्म में क्यों जला दिया जाता है बॉडी को, मुस्लिम धर्म में क्यों दफना दिया जाता है बॉडी को, क्रिश्चियन भी ऐसा करते हैं, कभी इसके पीछे का कारण समझे हैं? तो पहले साइंस पढ़ते हैं और साइंस पढ़ने के बाद आखिरी में इस बात को रिवील करते हैं इसी मैटर से कि हाँ भैया ये क्यों होता है। जानना आप लोगों को? अरे जानना है, बोलना हाथ है ना कि लिखा ही सॉलिड किसे कहते हैं है? तो चलो बच्चे लोग इसको जरा समझते हैं। मान लो है? मान लीजिए कि एक ऐसा बॉक्स है जिसमें ना बाहर से कोई चीज जा सकता है ना अंदर का कोई चीज बाहर जा सकता है, मतलब एकदम बॉक्स पूरा जो है ना वैकेंट बॉक्स है, इसमें कुछ भी ना अंदर जाएगा ना कुछ क्या आएगा बाहर आएगा। एक सेब को हमने इसके अंदर रखा, किसको रखा? और इसको मैंने करोड़ों सालों के लिए छोड़ दिया, कितने सालों के लिए? तो ये सेब क्या होगा? कुछ लोग सोचेंगे सड़ जाएगा, ज्यादा कहेगा ऑक्सीजन जाएगा तब ना सड़ेगा, ये डस्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा? और ये डस्ट में क्या बनेगा? एनर्जी रहेगा। तो ये डस्ट पार्टिकल पता है ये क्या होगा, पदार्थ के 22 अवस्थाओं से गुजरेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टीन, प्लाज्मा, सारी अवस्थाओं से ये मैटर क्या होगा, गुजरेगा। देख रहे हो, अलग अलग अवस्थाओं से गुजरेगा और ये अवस्थाओं से गुजरते गुजरते मैटर और एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन कर करके सब अवस्थाओं से गुजरेगा और मैटर और एनर्जी आपस में फिर से क्या हो जाएंगे, कोलाइड्स, वापस आ जाएंगे, क्योंकि मैटर और एनर्जी टूटा था और फिर वापस मैटर और एनर्जी क्या हो गया, जुड़ गया, और जुड़ने के बाद ये सेब वापस अपनी जगह पर वैसे ही आ जाएगा जैसे था करोड़ों सालों के बाद।
रेडी हो गया, दिखाई दिया, ये वैसे ही आ जाएगा। तो अब यहां पर फिर से एक सवाल आता है, रुक जाइए, फिर से एक सवाल आता है कि ठीक है ये वापस करोड़ों के सालों के बाद ऐसा आ जाता है, बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तभी तो हमारे ब्रह्मांड में जो इतनी सारी चीजें हैं, ब्रह्मांड नष्ट होता है अब फिर वापस आ जाता है, फिर ब्रह्मांड नष्ट होता है फिर ब्रह्मांड वापस आ जाता है, ऐसे थ्योरी है लोगों का। अब करोड़ साल तक हमारा थोड़ी नहीं रहने वाले कि मतलब आप नहीं रहोगे हम तो रहे करेंगे, ठीक है, तो पता चलने वाला है। तो अब सवाल आता है कि ठीक है ये तो हमको समझ में आ गया कि जब एक सेब को एक बॉक्स के अंदर रखेंगे तो वो 22 अलग अलग अवस्थाओं से क्या होगा, गुजरेगा। स्टेट ऑफ मैटर समझ में आ रहा है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, स्टेट ऑफ मैटर 22 अलग अलग अवस्थाओं से क्या होगा, वो गुजरेगा और वापस वैसे ही हो जाएगा जैसा वो पहले था। तो इसका वो धर्म से क्या संबंध जो आपने बोला जलाने और वो वाली बातें, बिल्कुल संबंध है, मैं बताता हूं कैसे। जैसे हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि आत्मा मेन है, शरीर से कोई मतलब तो शरीर को ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है, तो वो शरीर को उतना नश्वर मानता है, तो शरीर को कहता है कि अगर शरीर रहेगा तो फिर आत्मा घुस जाएगा, बुढ़ी बुढ़ी आत्मा सब, इसलिए शरीर को जला के हटाओ आत्मा नया शरीर ले लेगी, तो शरीर को जला के हटा दो, खत्म कर दो उसको, ठीक है। बट मुस्लिम धर्म में क्या है, उस धर्म में है कि कयामत के दिन वापस सब जगेगा, कयामत के दिन वापस सब जगेगा, तो आत्माएं वापस आएगी और आकर के क्या होगा, उस शरीर में घुसेगा, तो शरीर को बचा के रखो ताकि वापस जन्म ले सब, इन्फिनिटी से वाला, इसीलिए उसको बॉक्स में रख करके बंद करके कहते आराम से रख दो, ताकि इसीलिए बोला रेस्ट इन पीस, मतलब आराम करो शांति से, तब तक फिर आत्मा आएगा। समझ में आ रहा है कुछ, क्यों दफनाया जाता है क्यों जलाया जाता है, तो ये मेन कारण है। और यही लॉजिक यहां पर भी सेम काम किया कि हम क्या कि एक सेब को रख दिए और सेब अनंत सालों के बाद वापस क्या उसकी आत्मा वापस आ गई साइंस के फॉर्म से। समझ में आ रहा है कुछ, तो ये धर्म के साथ क्या है बोला, ये चीजें कोरिलेटेड है। और अगर ये वीडियो डाल दिए तो नीचे गाली सुनेंगे, बोलेगा ये धर्म के बारे में, बोलेगा ये धर्म के बारे में, ठीक है ना। तो लेकिन आपको बेसिक बात यही है, तो आपको इतनी बात समझ में आई बच्चे लोग, तो अब आप समझ में आ चुका होगा शायद कि 22 अवस्थाओं से कैसे गुजरती है। समझ में आया बच्चे लोग, कितने अवस्थाओं से गुजरती है, लेकिन हम लोग केवल कितना जानते हैं, आप सोच को देखो, तुम केवल चार ही बताते हो हम तुमको, तो तुम घरे जाकर गांव में जाकर क्या चिल्लाते रहे, क्या वही चीज सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा होता ना, पता हो सब वही चीज, लेकिन आप तुम नहीं बोल सकते कि सब वही चीज, क्योंकि 22 हो के तो नामों नहीं जानते हो तुम, तो तू बोला यू हो वही से बाकी हो चुके। साइंस यही चीज है, जितना अधिक जानोगे आपको लगेगा उतना कम जान रहे हैं, और बेवकूफ लोगों के साथ क्या है, जितना कम जानता उतना ही क्या जान रहा है, वो अधिक जान रहा है। तो असल स्पेस जो है ना, फिजिक्स सबका बाप है, फिजिक्स जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू पाता है वो, फिजिक्स का एक चैप्टर है वो 4 साल का इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल देखते हो पूरा, तो बहुत दूर तक है, लेकिन हम उसको डिफिनेशन में समेट लिए हुए बस, ठीक है। तो आप सॉलिड लिक्विड गैस की परिभाषा कोई जानता होगा, लेकिन फिर आपके नॉलेज में जो इजाफा हुआ है वो उसके नॉलेज में नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया इन्फिनिटी चीजें कैसे काम करती है, तो आप लोग प्लीज क्या कीजिए, प्लीज बच्चे लोग रिक्वेस्ट है आपसे, लिख लो इसको 4 गो।